हमारे मांग पूरा करने से देखो हम जी यहाँ से जी डी में ओडीसी का इतना साल हो गया दो हजार दो से हमको हमको यहाँ दिया हमको उठाया लेकिन अभी तक हमको तनख्वाह पे नहीं मिला है एक पैसा गवर्नमेंट ने नहीं दिया है हमने डिप्टी भी -डिप दे रहा है हलौदी गाँव में और हमारे गोम्पा में जेल में यात्रा ट्रेन में जेल में भी दे रहा है में, लेकिन अभी तो हमको तो 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 कोई नहीं है हमने से साहब गया, अभी हमारे बात किसी ने नहीं सुना है ये कमांडर है यहाँ जी जुले कमांडर अभी तक दो हजार से दोस्त साल चुका है शुक्र नाडा गड़ी मारेल में अभी तक कुछ नहीं मिला सुनने पूरा करूंगा एक करूंगा कुछ नहीं किया यहाँ से आया फौजी उसने फोटो ले गया कुछ मिलेंगे करेंगे मैंने दिया तमाम दिया मैं डोटा गया उधर तो बटोर गया बस कुछ कागज़ के, के कुछ नहीं मिला तो क्या करना आप? दो हजार दो से तमाम मैसेज मिल गया हमारी मिल गया हलोती को छुपा डॉगड़ो ये आपका मीडिया मीडिया के थ्रू से हमको ये हमारे बात जो है पूरा डीसी एसपी की छोड़ के इसको पूरा डीआईजी आई तक इसको पहुंचना चाहिए मेहरबानी करके ये हमारी बात जो इसको सुन सुनना चाहिए जो आठ आदमी है अब आठ हमारा आठ का आठ है पूरा अभी तक हम हमारे बात किसी ने नहीं, नहीं सुना है लेकिन ये नरेंद्र मोदी तक भी इसको बात को पहुँचना चाहिए तेज पता होगा वैसे नरेंद्र मोदी कहता है मैं बहुत बहुत कुछ ये कर रहा हूँ वो कह रहा लेकिन मैं कहता हूँ कि गाँव में तो कुछ नहीं हो रहा है शहर में हो रहा तो पता नहीं है शरम, में तो कुछ नहीं है मैं भी ये लोग हैं हलोती गांव के मचेल तहसील के हलोती के बुजुर्ग साहिबान यहां पर है मिलिटेंसी का दौर जब था पाडर के अंदर और लगभग मैं समझता हूं एय डोडा और चिनाब बेल्ट के अंदर जब मिलिटेंसी का दौर चला कुछ तो सरकार ने एक ऐसा सिस्टम निकाला कि जो है हर गांव के अंदर वी और डी बनाई जाएगी जब मिल्कमैन सर्दियों में या गर्मियों में धारों में चले जाते हैं तो एक कमेटी बनाई गई धार डिफेंस कमेटी न एज डी डी सी उनको राइफ़ल दिए गए फिर उसके बाद वी डी सी बनाया गया जहां पर विलेज की रक्षा करने के लिए एक स्पेशल कमेटी बनाई गई जिन्हें थ्री नॉट थ्री राइफल्स इशू करवाई गई और उसे नाम दिया गया वी डी सी विलेज डिफेंस कमेटी उस मिलिटेंसी के दौर में अपनी जान को जोखिम में रख करके क्योंकि ये धारें जो हैं ये लगती हैं दक्षिण मड़वा वाड़वन से ये धारें लगती हैं अलग और दूसरी जगहों से जहाँ से धारों के रास्ते से मिलिटेंट्स आते थे ऐसे वाक्य और ऐसी घटनाएं भी पाडर के अंदर हुई हैं जहां पर काफ़ी लोगों को हलाक किया गया है तो इन लोगों का ये कहना है कि मिलिटेंसी के दौर में आप लोगों ने हमारी सर्विसेज यूटिलाइज़ करी हमने अपने जान को जोखिम में कर करके कर अपने काम को छोड़ करके अपने गांव की और पूरे पाडर की और देश की रक्षा करी लेकिन बदले में इनको जो आज मिला है जहां पर मान्य मंत्री जी हमारे सुनील शर्मा जी ने हाल ही में होम मिनिस्टर साहब से मुलाकात करके इस बात का अप्रूवल लाया कि वीडीसी विल बी टर्न इन टू वी डी जी दैट इज विलेज डिफेंस ग्रुप और कहा ऐसा भी गया है बल्कि ये हमने देखा है रियलिटी में कि जो बेल्ट नंबर धारक जो लोग थे तीन तीन एस जो होते थे वो जनरल लाइन एस बन करके अट्ठारह अठारह हज़ार रुपये का वेतन उन्हें दिया जा रहा है और बाक़ियों को चार हज़ार या पैंतालीस का वेतन सबको लगभग मिल रहा है उसी चीज़ की उम्मीद में ये लोग भी हैं कि हमको दो दो से जो हमारा पेंडिंग बैलेंस है हमको वो सैलरी दी जाए काम आप हमसे पूरा लेते चाहे मचेल यात्रा की बात हो चाहे कोई और फंक्शन को मेला हो चाहे गुम्पा में ड्यूटी की बात हो वहाँ पर ये लोग अपनी रोजमर्रा के काम और ज़मींदारी माल मवेशी छोड़ करके वहाँ पर जा करके के ड्यूटी इनकी सर्विस पूरी फ्री में जो है ये समाज सेवा यहाँ से सरकार हमारी ले रही है ये हमारे लोकल पी को चाहिए कि इन लोगों को अभी तक सैलरी क्यों नहीं मिली ये एक करारा सवाल है ये करारा चांटा भी है उन लोगों के ऊपर तो शर्म की बात है और हमारा दुख इस वक्त छलनी है कि हम इन लोगों की आप तक वो जो है बातें पहुंचा पा रहे हैं मुझे शब्द वो प्रॉपर नहीं मिल रहे हैं जो मैं यूज़ करना चाहता हूं क्योंकि यातनाएं बहुत हैं दुख बहुत हैं इन लोगों की एक प्रॉब्लम मैंने अभी पानी की सुनी बिजली की सुनी यातायात की सुनी और हर चीज़ की सुनी अब यहाँ पर दूसरी प्रॉब्लम इन बूढ़े बुजुर्गों की ये ये कहते हैं कि हमारे बाल सफ़ेद हुए बूढ़े हुए हमें अभी तक एक रुपया नहीं मिला है मेरी गुजारिश सरपंच साहब जी से ये है कि कृपया जो है इनकी बातों को नजरसानी करें कि ध्यान दें डीसी साहब के पास एक इनका मेमोरेंडम लेकर के जाएं एक रेजोल्यूशन लेकर के या जो भी करना चाहते हैं आप लेकर के जाएं माननीय बी साहब डीडीसी साहब को करके ले जाएं और इनकी जो है प्रॉब्लम्स को जो आगे रखें ताकि इनको इनका ये वेतन जो है इनका जो हक जो है इन्हें दिया जाए यही हम कहना चाहते कुछ और लोगों से यहाँ पर कहना चाहेंगे आप भी बीडीसी में, भी आप सी में। आपको मिला कुछ पैसा कुछ नहीं मिला सब हम आठ आदमी को कुछ कुछ नहीं मिला, नहीं मिला मिला सरपंच साहब बोला था आपने कभी कि हमको नहीं पैसा नहीं मिला बोला था पहले नहीं बोला था यही थी आज की हमारी खास रिपोर्ट आशा करते हैं आपको हमारी ये रिपोर्ट पसंद आएगी हम कोशिश करेंगे आपको और भी ऐसी रिपोर्ट दिखाने के लिए अगर आप लोगों को भी लगता है कि इन लोगों का कहना जायज़ है और आप लोग भी अपने मोबाइल टीवी स्क्रीन पर जो इस वक्त हमें देख रहे हैं आप लोग भी चाहते हैं अगर इनकी आवाज़ कहीं तक पहुँचे तो तो आप लोगों का भी ये फ़र्ज़ बनता है पाडर मचेल की टीम के साथ जो आज चल करके यहाँ आई है कि आप इसको मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर करें सभी मंत्री साहबानों को और डिपार्टमेंट्स को और बड़े बड़े अफसरानों को जो इसमें टैग करें सोशल मीडिया चलाना सभी को आता है शेयर करें लाइक करें कॉमेंट करें जो हमारे लिए एक फ्यूल का, का काम करता है जो हम आगे बढ़ने की और हौसला देता है हम और भी आपको ऐसी रिपोर्ट्स दिखाते रहेंगे और एक सुंदर भारत और एक सुंदर पाउडर बनाने की कोशिश में आप हमारे साथ भागीदारी कर सकते हैं जय हिंद जय भारत जय मा चंडी